हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये एक सीरीज बनने वाला है नुआमा के एपीआई के साथ। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आप नुआमा के एपीआई में लॉगिन कैसे करेंगे। ओके, सो इस बार एक नया एल्गोरिदम हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम सुपर ट्रेंड एंड कुछ अल्गोस के साथ ऑटो प्लेसमेंट वाला जो पार्ट है वो देखने वाले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एल्गोरिदम। ओके ओके, यहाँ तक आपका जो कोड है ये आपने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा होगा। ओके, ये लॉगिन करने वाला कोड है। सो ऑलरेडी आज मैंने लॉगिन करके रखा है, ये आज का रिक्वेस्ट आईडी है, राइट। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल कोड लिखना। सो एपीआई के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बहुत आपको क्लियरली हिस्टोरिकल डेटा कॉल कैसे करना है, या फिर ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करनी है, या फिर सारे अदर जो कॉल्स है वो उन्होंने मेंशन किया है। सो हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा कॉल करेंगे फॉर बैंक निफ्टी, उसके ऊपर दो सुपर ट्रेंड्स अप्लाई करेंगे, एंड देन उसके बेसिस पे हम कुछ एनालिसिस करके ऑर्डर प्लेसमेंट्स करेंगे, राइट। अब हमने एल्गोरिथम को क्या बोला कि आप हिस्टोरिकल डेटा फेच करके लेके आओ फॉर बैंक निफ्टी। हमारे पास ऑलरेडी ये सपोर्ट फाइल है जिसके अंदर एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जो क्या करता है, आपका बैंक निफ्टी के लिए हिस्टोरिकल डेटा लेके आएगा ऑन दी टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है, और आज तक का डेटा लेके आएगा, मतलब करंट टाइम फ्रेम तक का, ठीक है। और जो कॉलम्स है उनको रीनेम करके ये एक हमें डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा। तो डेटा फ्रेम इज नथिंग बट आपका पाइथन का एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है। सो एक काम करते हैं, हमने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है और अब हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल डेटा जो है जो एपीआई की तरफ से हमें मिल रहा है वो दिखेगा कैसे, राइट। सो आई जस्ट स्टार्ट द प्रोग्राम। अगर डेटा हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार का है, राइट। सो 9 तारीख तक का, मतलब करंट टाइम फ्रेम तक का डेटा है, जिसमें ओपन हाई लो क्लोज है एंड वॉल्यूम 0। ओके, दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर सुपर ट्रेंड अप्लाई करना है। सो सिर्फ एक ही लाइन में हमने प्रोग्राम को क्या बताया कि आप ये डेटा लो और इसके ऊपर सुपर ट्रेंड अप्लाई करो। ओके, सो अगर इसके ऊपर हमने डेटा फ्रेम पे सुपर ट्रेंड अप्लाई किया तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। ओके, सुपर ट्रेंड अप्लाई करने वाला जो कोड है वो भी इस फाइल में है। हमने सिंपली इसके ऊपर बस ये 3-4 लाइंस में यही कहा कि आप सुपर ट्रेंड 14.3 एंड सुपर ट्रेंड 21.3 अप्लाई करके डेटा रिटर्न करो, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि लास्ट जो करंट, मतलब करंट जो हमारी कैंडल चल रही है, क्या उसमें हमें दोनों सुपर ट्रेंड्स अप मतलब ग्रीन मिल रहे हैं, या फिर दोनों सुपर ट्रेंड्स हमें डाउन या मतलब रेड मिल रहे हैं। अगर दोनों रेड है तो हम सेल करेंगे एटीएम, ओके, एंड अगर दोनों ग्रीन मिल रहे हैं तो हम बाय करेंगे एटीएम ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है। व्हाट वी डन देन, हमने बस एक लास्ट कैंडल फेच किया इसका और चेक किया क्या दोनों सुपर ट्रेंड्स हमारे ग्रीन है या रेड है। तो करंट जो है दोनों सुपर ट्रेंड्स हमारे ग्रीन चल रहे हैं, ओके, जिसका मतलब कि ये कंडीशन ट्रू होने वाला है। अब हमने इस कोड को क्या बोला, अगर आप दोनों सुपर ट्रेंड्स ग्रीन हो तो सिंपली हमें एटीएम कैलकुलेट करके दो, और एटीएम कैलकुलेट करने के बाद दोनों सिंबल्स के लिए आप ऑर्डर प्लेसमेंट करो। सो अगर ये एल्गोरिदम हम चला दे और चेक करें कि इसका आउटपुट क्या आता है, सो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो व्हाट दिस एल्गोरिदम इज सेइंग कि इसने ऑर्डर प्लेसमेंट्स कर लिए है स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, एटीएम स्पॉट कैलकुलेट करके, और जिसका ऑर्डर आईडी है हमारा ये और ये। तो एक काम करते हैं, हम अपने कंसोल में चेक करते हैं, ओके। ओके, सो डेरिवेटिव्स के अंदर हमें दो ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं जो रिजेक्टेड है फॉर नाउ ड्यू टू द फंड्स। ओके, सो पहला है आपका ये बैंक निफ्टी का 43,500 का कॉल एंड पुट दोनों, राइट। एंड ऑर्डर आईडीज भी है इनकी, इफ यू चेक, ये है 4754, ठीक है। सो आपने देखा कि कितने मिनिमल एफर्ट्स के साथ हमने एक छोटा सा अल्गो बनाया जिसमें हम सुपर ट्रेंड के बेसिस पे कुछ ऑर्डर्स प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप भी कुछ स्ट्रेटेजीज बनवाना चाहते हो तो नुआमा एपीआई के साथ आप बहुत इजीली कर सकते हो, ओके। So if you have any other questions, you can just drop them in the comment box and stay tuned with the Tradehill channel for the upcoming videos. Thank you.
थैंक यू सो मच।